नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। थाना पागबड़ा क्षेत्र स्थित दिल्ली हाईवे 24 पर स्थित टीएमयू के गेट पर आज योगी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कोविड हॉस्पिटल में हुई संदिग्ध मौतों पर जमकर बवाल काटा। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने टीएमयू हॉस्पिटल को L3 प्रयोग में लाया गया है। पिछले दिनों एक महिला सहित बैंक मैनेजर और एक पुलिसकर्मी की हॉस्पिटल की मंजिल से कूद कर ली गई आत्महत्या और हाल ही में एक भाजपा नेता राकेश खैर की मौत से पहले सामने आए चैट्स से मचे हड़कंप के बाद आज योगी सेना के कार्यकर्ताओं ने सभी मामलों में बरती गई लापरवाही का आरोप लगाते हुए टीएमयू के गेट पर जमकर हंगामा काटा और चांसलर सुरेश जैन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूंका। हाल ही में प्रदेश सरकार की योगी सरकार द्वारा टीएमयू हॉस्पिटल को बेहतर इलाज देने के लिए दो बार प्रशस्ति पत्र देने और टीएमयू में प्लाजा सेंटर खोले जाने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी योगी सेना के लोगों द्वारा इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कई सवाल जरूर खड़े करता है। इस विरोध प्रदर्शन पर अपनी बात रखते हुए योगी सेना से जुड़े आकाश ने टीएमयू पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं गेट पर मौजूद SDM का कहना था कि इन लोगों के कुछ सुझाव हैं और ये लोग संदिग्ध मौतों की जांच सही करने की बात कह रहे हैं। ब्यूरो चीफ गजेंद्र सिंह सैनी की रिपोर्ट। ये हमारे पीछे टीएमयू है, ये मौत का पूरा पूरा यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आए दिन आत्महत्याएं होती है, सेक्स रैकेट यहाँ पे चलता है, मानव अंगों की तस्करी यहाँ पे होती है और ये अपने पैसों के बल पर हर चीज दबा देता है। जब तक सुरेश जैन जेल में नहीं जाएगा हम लोगों का आंदोलन बिल्कुल ठंडा नहीं होगा। हम लोग CBI जांच की मांग करते हैं, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? परम पूज्य हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हमारी सीधे सीधे मांगे इनके खिलाफ CBI जांच हो और ये लोग सीधे जेल जाए जो दोषी है। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आप नेशनल हाईवे जाम में हुए हैं जी, सरकार आपकी की चल रही है? सरकार हमारी चल रही है, बिल्कुल सही बात है जी। सर, आज योगी सेना ने टीएमयू के बाहर प्रदर्शन किया है, किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन रहा और क्या कार्रवाई आप लोगों के द्वारा की जा रही है? जैसा आप सब लोग को विदित है कि यहाँ पर हमारे यहाँ L3 फैसिलिटी जो कोरोना ट्रीटमेंट के लिए है वो ये टीएमयू कैंपस के अंदर है। तो जो भी उन फैसिलिटीज़ में ट्रीटमेंट हैं उस पर उन्होंने कुछ सुझाव और अपनी शिकायतें दी हैं तो उसको हमने ज्ञापन के माध्यम से उनको ले लिया है। तो उसको जो है हम लोग अपने फ्यूचर जो अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसको उचित माध्यम से हम उनको अवगत करा देंगे। इसके अलावा जो कुछ पीछे जो है आत्महत्या हो गई थी उसमें आपकी मांग थी कि उसमें जो जांच हो रही है, मेडिकल इंक्वायरी हो रही है वो फेयर हो, तो वही उनसे बात हुई है, उनको विश्वास दिलाया गया है, उनको बताया गया है क्योंकि वो कोई भी आगे अपना बयान और साक्ष्य दे सकता है और उसको उसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा। सर, चार मौतें हो चुकी हैं, जांच भी जिलाधिकारी के द्वारा टीम जांच गठित की गई थी, कुछ जांच में सामने आया है अब तक? मजिस्ट्रियल इंक्वायरी चल रही है तो सब जुडिस मैटर है तो अभी उसमें कुछ भी कमेंट करना सही नहीं रहेगा। अभी तक कुछ जांच में सामने नहीं आया है मजिस्ट्रेट जांच? नहीं, जांच हो रही है तो जो उसकी फाइनल रिपोर्ट होगी वो सबमिट करी जाएगी तो उसमें क्योंकि सब जुडिस है मैटर तो उसमें कंक्लूजन क्या है वो अभी इस स्टेज पे बताना सही। प्रदर्शनकारियों को प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? यही आश्वासन है कि एक तो उनके जो सुझाव हैं, जो उनकी बातें हैं वो हम उनको लेंगे और उसमें जो भी पॉजिटिव चीज़ें निकलेंगी उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, जो क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा है आपको पता ही है पूरे विश्व में जो है एक ये संकट है तो नई बीमारी है तो नए नए प्रकार के उसमें जो है आपका कहना था साइकेट्रिक्स वगैरह को भी रखा जाए इलाज में, उन सारी चीज़ों को जो है हम कन्वे करेंगे। और इसके अलावा उनकी दूसरी चीज़ थी कि जो जांच हो वो फेयर हो तो वो मैंने यही बोला कि वो क्योंकि कोर्ट में है तो कोर्ट में वो बयान दे सकते। अच्छा, प्रदर्शनकारियों द्वारा नेशनल हाईवे भी जाम किया गया था, क्या कोई प्रशासन के द्वारा कोई मुकदमा भी लोगों के ऊपर पंजीकृत किया जाएगा? हाईवे जाम नहीं किया गया, हाईवे एक सेकंड के लिए बंद नहीं था तो जो ये आरोप लगा रहे हैं हाईवे जाम किया गया, हाईवे एक सेकंड के लिए जाम नहीं हुआ। सर, पुतला दहन बीच रोड पे किया गया है, हंगामा चल रहा था, नहीं, साइड 15 मिनट का जाम था, साइड में खुला था, गाड़ियां निकल रही थी तो ऐसा नहीं कि हाईवे जाम किया था इनके द्वारा। हाँ, कुछ लोग थोड़ा आ गए थे, भीड़ जाती तो मतलब आधी रोड पर आ गए थे बट वो हाईवे जाम नहीं था, ट्रैफिक लगातार चल रहा था। क्या सर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, अगर देखा जाएगा, वीडियो देखा जाएगा, अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।